अगर वो अपने पल्ले से कुछ कह रहे हैं तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम भड़क जाए, हम मीडिया से लड़ लें, हम पुलिस से लड़ लें और हमारा काम सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों सरकार की साजिश को भी समझो यार। ये जो जितने लोग हैं आप अपनी तरफ से कुछ भी इनके माइक में गलत मत बोलो, हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। जो ये गलत दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे गलती? और भी मेरा कहना ये है कि किसी भी मीडिया बंधु से मेरे भाइयों जो आंदोलन के लोग हैं हमारे बीच में, बहुत से महापुरुष इस आंदोलन का समर्थन करने आ रहे हैं, हमारे इस आंदोलन को गति देने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत से लोग, बहुत से धार्मिक संगठन हमारे बीच में, निहंग सिंह जत्था जो सुरसिंह पंजाब से, दल बाबा विदिश चंद संप्रदाय से, उनके जो वंशज हैं हमारे बीच में पहुंच रहे। मेरा आगे नवतेज भाई से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करवाएं। हमारे बहुत ही परम आदरणीय श्रद्धे दल बाबा विदिश चंद जी पंजाब से, जिनकी बहुत बड़ी सेवा है धर्म के नाम पर हमारे विभिन्न क्षेत्रों में। बाबा विदिश चंद जी की संप्रदाय से, दल बाबा विदिश चंद जी के वंशज हमके बीच में पहुंचे हैं। हम सभी उनका मान सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। बाबा जी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। हमारे बुल्लर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बोले। फतेह का जवाब फतेह आया नहीं, जिथे तक मेरी आवाज जा रही है मैं फतेह बुलावांगा, सारे ने बावा खड़िया करके फतेह बुलानिया। वाहेगुरु जी का खालसा जी फतेह। हुण लगदा है ना कि गाजीपुर बॉर्डर ते कोई किसान बैठे ने, कोई देश दा अन्नदाता बैठा। सब तो पहला साडे विच हुणे हुणे पुजे दल पंथ बाबा विधि चंद जी दे, बाबा प्रेम सिंह जी अपने पूरे दल दे नाल इत्थे पहुंचे ने। मैं उन्होंने जिया कहना दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, जिवें कि आपां नूं पता ही है कि पिछले कई दिनों तो गाजीपुर बॉर्डर के इस स्थान से यह जो अपना धरना प्रदर्शन चल रहा है बहुत शांतमय तरीके से चल रहा है और यदा मैसेज बहुत चंगा जा रहा है। मैं आप सब सिर्फ यो ही गल कहना चाहवागा कि आप अपने इस मूवमेंट को खराब ना करिए। साडे विच बड़े शरारती अंसर बड़े हुए ने, अखा खोलने की लड़ है वीरो, कन्न खोलने की लड़ है। चार सवेरे आप सुनिए सब की करिए अपने मन की, क्योंकि सरकार नहीं चाहिए कि NH-24 ज्यादा तो ज्यादा जाम हो। मैं तुम्हें सिर्फ ज्यादा लंबी गल नहीं करा, इन्नी गल करा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, तुहाडा सारी रहन की खान की पीन की हर तरह की सारी व्यवस्था है। आप शांतमय तरीके इतने बने रहिए, क्योंकि जे आप इतने बने हाँ तो साडा मैसेज उत्ते तक जा रहा है, जे आप इधरों हट गए तो साडा मैसेज नहीं जाएगा। मैं अपने वालों बाबा जी को बहुत बहुत जिया कहना और मैं तुम्हें सिर्फ यही मैसेज देने वास्ते माइक पर आया सी कि आप शांतमय तरीके बने रहिए सारे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।